तुला राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तुला राशि वालों बधाई हो, आज दोपहर 3 बजे के बाद आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव लेकर आ रहे हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द आप करोड़पति बनने वाले हो। दोस्तों, भीख मांगने के दिन चले गए, अब आप राजाओं की तरह अपनी जिंदगी जियोगे, क्योंकि तुला राशि वालों भगवान ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है और आपके बंद किस्मत के दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे तुला राशि वालों आप सीधे सीधे करोड़पति बनने वाले हो, राजा बनने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है और आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। तुला राशि वालों, आपको निरंतर चलते रहना है। आप अपने सफलता की, आप अपने मंजिल से बस थोड़ा सा 1-2 कदम पीछे हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, जिंदगी जीने का असली मजा अब आने वाला है। किसे कहते हैं जिंदगी और किसे कहते हैं जिंदगी का असली सुख, वो अब आपको एहसास होगा तुला राशि वालों, क्योंकि दोस्तों आज दोपहर 3 बजे के बाद जो बदलाव आपकी कुंडली में होने जा रही है, इससे तुला राशि वालों आपको अमीर बना देंगे और राजा भी आपके सामने बोलने में हिचकिचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तुला राशि वालों आपकी जिंदगी में अब रातों रात हड़कंप मचेगी और रातों रात आपका इतिहास बदलेगा। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी का एक नई पन्ना ओपन होने जा रहा है और उस पर साफ साफ लिखा गया है कि आपको अपना हक, आपको अपने मेहनत का, परिश्रम का फल अब मिलकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मजाक समझने की गलती मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देता है अपने घमंड के कारण, और उनको एहसास तब होता है जब सामने वाला उनसे आगे निकल जाता है। जी हाँ, इसलिए घमंड करना अच्छी बात नहीं है। हमें किसी भी चीज़ में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में जाता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है। इसलिए अगर हम घमंड करेंगे तो उस पत्थर के जैसा हम भी डूब जाएंगे और हमारा ही नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं आज दोपहर 3 बजे के बाद आपकी कुंडली में वो कौन कौन से बदलाव करने वाले हैं, किस तरह से आपको लाभ होगा, किस तरह से आपको फायदा होगा, आपका दैनिक दिनचर्या कैसा रहेगा, धन का लेन देन के लिए व धन का निवेश के लिए समय कैसा रहेगा, जानने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और अपने इन प्यारे हाथों से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय विष्णुदेव जरूर लिखिएगा। इससे मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णुदेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए बात करते हैं तुला राशि वालों, मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आज का दिन आपके लिए आवश्यक लाभ दिलाने वाला है और आप एक बजट बनाकर चले तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप किसी काम में रूटीन बनाए रखें तभी वह पूरे कर पाएंगे और लेन देन के मामलों में आप स्पष्टता बनाए रखें, नहीं तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नुकसान होने की भी आशंका बन रही है, लाभ तो आज आपको होगा ही होगा, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। माता पिता की सेवा में आप जो है दिन का कुछ समय व्यतीत करेंगे और आप अपने परिवार के किसी सदस्य से मन की इच्छा को जाहिर कर सकते हैं, जिससे आपकी मन की इच्छा भी पूरी होंगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला समय रहेगा। आपके कुछ कार्य यदि रुकावट आ रही थी तो उनमें अब आगे बढ़ेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी आय में वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपको किसी की सलाह पर चलना, अच्छा नाम कमाने का मौका मिलेगा।
विभिन्न परिस्थितियों पर आप नियंत्रण बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो जातक नौकरी के साथ साथ अपने किसी काम को करने की योजना बना रहे हैं तो वह इच्छा भी आज के दिन पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज आपके तीन बड़े सपने सच होंगे, चाहे वो सपना आपकी नौकरी को लेकर हो, आपके कैरियर को लेकर हो या बिजनेस को लेकर हो, आपके तीन सपने आज जरूर सच होंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपको बता दें, आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने कुछ घरेलू कामों में सावधान रहने और किसी बात विवाद में ना पड़ने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आप यदि किसी संपत्ति का सौदा करने जा रहे हैं तो उसके चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें और आपके कुछ करीबी आपके घर में दखल अंदाजी कर सकते हैं, जिससे माहौल शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, खराब हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको अपने बीच एक दूसरे को आने देने से बचना होगा, नहीं तो परिस्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बात विवाद कोई मामला है तो घर में ही मिल बैठ कर सुलझाने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा उलझन भी देखने को मिल रही है, उलझनों से बचने का प्रयास करें क्योंकि लड़ाई झगड़े के आसार आज के दिन बन रहे हैं। जी हाँ, खासकर अगर आप गाड़ी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक कीजिएगा, नहीं तो चोट चपेट लग सकता है। जी हाँ, और अविवाहित जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है, विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको कैरियर को लेकर यदि कुछ समस्या चल रही थी तो वह भी आज के दिन दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपको छोटी दूरी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, खुद ड्राइविंग कर रहे हैं, तो जरा सावधान रहिएगा क्योंकि सितारे कहते हैं आज छोटी मोटी दुर्घटना होने की आशंका बन रही है। भाई बंधुओं की भावनाओं पर पूरा जोर देंगे और विद्यार्थी के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रस्त होंगे और आपकी किसी नई संपत्ति को खरीदने की इच्छा भी आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आज का दिन कुल मिलाकर आपके लिए आनंदमय रहने वाला है और परिवार के सदस्यों में चल रहे पुराने गिले शिकवे दूर होंगे और सभी एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रसन्नता होगी और रक्त संबंधित रिश्तों में मजबूती आएगी। जी हाँ, कुछ महत्वपूर्ण विषयों में आपको वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, और जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें धन को अच्छी योजना में निवेश कर सकते हैं जो कि आगे चलकर आपको लाभ दे सकता है। जी हाँ, आपको कुछ निजी मामलों में बाहरी व्यक्तियों से बचना होगा। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको सलाह दे रहे हैं तो सलाह लेने से पहले आपको दोबारा सोच विचार कर लेनी है कि कहीं वो आपको गलत सलाह तो नहीं दे रहे हैं, नहीं तो आप आगे चलकर बुरी तरह से फंस सकती हैं। जी हाँ, क्योंकि लोग सब लोग कहते हैं कि बेहतर करिए, बड़ा करिए, लेकिन वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करिए, आप उनसे बड़ा करिए। जी हाँ, इसलिए क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आपको ही तय करना है क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जी हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि समय अभी आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्य आपका 77% साथ दे रही है, इससे बड़ा शुभ संकेत आपको और क्या चाहिए। इसका लाभ उठाएं, इसका सदुपयोग करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ, अगर आज के दिन कोई नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वो भी आज आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में जो फैमिलीज है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, एक्सपर्ट हैं, जानकार व्यक्ति हैं, उनका सलाह मशवरा लेकर ही करिएगा तो आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ, और कोई खास काम के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप अपने माता पिता का शरण स्पर्श करके निकलें तो आपको कामों में सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो आध्यात्मिक कार्यों के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से विवादित है तो उसमें भी आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ, क्योंकि आज आपके ऊपर महादेव जी की कृपा दृष्टि बन रही है
आपका सभी काम बिना रुकावट के, बिना बाधा के पूर्ण होते जाएंगे। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज का दिन आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन व्यापार कर रहे लोगों को किसी बड़े लाभ के चक्कर में लाभ के अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है, नहीं तो आपको आगे चलकर समस्या हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में सतर्कता बनी रहेगी और नेतृत्व क्षमताओं का बल मिलेगा। आप अपने माता पिता की किसी बात को लेकर बहसबाजी में पड़ सकती हैं, लेकिन आपको बड़ों की बात सुनना व समझना बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर से माता पिता से आशीर्वाद लेकर निकलें, आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। मेहनत से कार्य करने के लिए रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोग अच्छा प्रदर्शन करके अधिकारियों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, और आप अपनी वाणी व व्यवहार से सभी को एकजुट बनाए रखेंगे। आपको अपने लेन देन के मामले में सावधानी अवश्य बरतनी होगी, नहीं तो कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। किसी के भी ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। आप देखिए, अत्यधिक लाभ के चक्कर में ज़्यादा धन का निवेश ना करें। जी हाँ, खासकर आज के दिन आपको ध्यान रखना है, निवेश अगर आप लॉटरी सट्टी में शेयर बाजार में धन का निवेश कर रहे हैं तो लालच आज आपको नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत होगा। जी हाँ, सितारे कहते हैं कि कहीं गलत जगह धन लगा सकती हैं। जी हाँ, इसलिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। मामा पक्ष आज आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए बाकी की दिनों की तुलना में काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आपको कार्यक्षेत्र में बहुत ही सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए रहेगी। यदि आपने किसी काम को जूनियर के भरोसे छोड़ा है तो उसमें बहुत बड़ी जो है गड़बड़ी हो सकती है। यदि प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करेंगे तो उन्हें नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, किसी के कहने पर आकर आपको निवेश नहीं करना है। जी हाँ, आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, काम को समय रहते पूरा करें। आप अपनी यदि आपने डेली रूटीन कार्य में बदलाव किए हैं तो आपके लिए समस्या लेकर आ सकती है। अभी जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए वृद्धि और विवेकशील निर्णय लेने के लिए रहेगा। आपको किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा। जी हाँ, नहीं तो कोई वाद विवाद पनप सकता है। आप अपने देखिए अनुभव का पूरा लाभ उठाएंगे। वरिष्ठ सदस्य यदि आपसे कोई बात कहे तो उसे समय रहते पूरा करें। जी हाँ दोस्तों, आपकी कोई पुरानी गलती लोगों के सामने आ सकती है। विद्यार्थी अपने कामों को लेकर यदि परेशान चल रहे हैं तो उन्हें उसे छुटकारा मिलेगा और आपको एक से अधिक स्रोतों से प्राप्त होने की संभावना बन रही है। अत्यधिक जो है मेहनत करने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति भी पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। समय कुल मिलाकर अनुकूल रहने वाला है। आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी और नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। जी हाँ, जो कि उनकी प्रसन्नता का कारण बनेगा। आपको सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे रहेंगे और आपका कोई चल अचल संपत्ति संबंधित विवाद चल रहा है तो उसमें भी आज आपको जीत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज आपके अंदर बाहर आएगी जिसे देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को आज कोई बेहतर अवसर मिल सकता है, लेकिन आपको प्रयास में लगे रहना है और विरोधी आज आपके सक्रिय रहेंगे। जी हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, किसी से भी आज के दिन आपको नहीं उलझना है, नहीं तो बेवजह के बात विवाद में पड़ सकते हैं। जी हाँ, लड़ाई झगड़े के आसार बन रहे हैं। शांति रहिएगा, सतर्क रहिएगा, यही आपके लिए बेहतर रहेगा।
आज का दिन उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आपके परिजन की सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। जी हाँ, अगर आपका कोई घर का सदस्य आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो उनको आप जरूर मानिए, आपको लाभ होगा और आप अपने करीबियों से मेल जोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। घर परिवार में आपको किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है, जी हाँ, लेकिन आपको उसे नजरअंदाज करना है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ, आज आप सभी का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और जीवन साथी के साथ आप कुछ प्यार भरे पल व्यतीत करेंगे। आपको अपने परिवार के मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो है प्यार भरी जिंदगी में जहर घोल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इतना आपको ध्यान जरूर रखना है। आप अपनी अच्छी सोच का कार्य क्षेत्र में पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। भगवान महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बन रही है, तो आज आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसी कोई गलती ना करे जिससे भगवान आपसे नाराज हो जाए, भगवान आपसे रूठ कर चले जाए। जो आपके लिए अवसर है, जो आपको देने वाले हैं, वो आपके हाथ से चला ना जाए। इसलिए दोस्तों, आज आप बहुत ही सोच समझ कर काम करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगी। ना किसी का बुरा कहें और ना किसी का दिल दुखाएं। जितना हो सके आज आप एक दूसरे का मदद करने का प्रयास करें, अच्छे वाणी का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। इससे भगवान जी प्रसन्न होते हैं और जो आपके नसीब में नहीं है, जो आपके भाग्य में नहीं है, वो भी भगवान जी आपको दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, घूमने फिरने के दौरान आज आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। यदि आप किसी नए वाहन को खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी वह इच्छा आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके धन धान्य में वृद्धि होने से आज अपने परिवार के लिए किए हुए वादे को समय पर पूरा कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आएगा। आपको किसी सरकारी में बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा करके वरिष्ठ सदस्यों से जो है वाहवाही लूट सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप अपने खान पान में बदलाव लाएं और अत्यधिक तले भुने भोजन से परहेज करें, नहीं तो आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, जिस कारण से आपका मन भी थोड़ा सा परेशान रहेगा। देखिए दोस्तों, आप अपने सेहत के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति कोई भी कंप्रोमाइज, कोई भी समझौता ना करें, नहीं तो आगे चलकर आपको दिक्कत, आपको परेशानी हो सकती है। जी हाँ, आपको इतना ध्यान रखना है कि जान है तो जहान है। इसलिए दोस्तों, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है। जी हाँ, कुछ करीबियों का सहयोग आज आप पर बना रहेगा। आप सभी को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपका वह कोशिश नाकामयाब रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको दिल और दिमाग से काम लेना होगा। अगर आप गुस्सा करेंगे तो परिस्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी बुद्धि विवेक से काम लेंगे तो परिस्थितियां काफी हद तक सुलझ सकती है। आपको अधिकारियों की सलाह पर चलकर तरक्की मिल सकती है और जो लोग किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो उनकी वह इच्छा आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों हम आपको बता दें, आपको परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस के लिए बनाई हुई योजनाओं से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ, संतान के कैरियर को लेकर यदि कोई चिंता थी तो वह आज दूर होती हुई दिखाई देंगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे और आपका वह काम समय पर पूरा हो पाएगा। जी हाँ, आज आपको सबसे पहले उस कामों को करने की कोशिश करनी चाहिए जो काम आपका बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि समय अभी आपके लिए बहुत अच्छा है, भगवान महादेव जी का कृपा दृष्टि बन रही है, आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। जी हाँ, कोर्ट कचहरी का कोई मामला था, उनसे भी आपको जो है निजात मिल सकता है।
आप अपना एक लक्ष्य बनाकर चलें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आज के दिन आपको अपने किसी विदेश में रह रहे परिजन से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, जिससे आपका मन तो प्रसन्न होगा ही होगा, साथ साथ आपके पूरे घर का, पूरे परिवार वालों का जो है दिल गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको लेन देन से संबंधित मामलों में जो है बहुत ही सावधानी बरतनी होगी और आपको लोगों से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। खासकर अगर आज के दिन आप धन का लेन देन कर रहे हैं तो बड़ा ही सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि दोस्तों आपको वो परेशान कर सकता है। और आप के स्वभाव में जो है विनम्रता बनाए रखें, तभी आप लोगों से काम आसानी से निकलवा पाएंगे। जी हाँ, यदि बिजनेस में किसी को पार्टनर बनाने की सोच विचार कर रहे हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही करें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है, ठगी हो सकता है। आपको छोटी दूरी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, लेकिन यात्रा के दौरान आज आप थोड़ा सावधान रहिएगा, खासकर अपने सामानों की अधिक से अधिक देखरेख करें, क्योंकि सामान आपकी चोरी हो सकती है या फिर कहीं रख कर आप भूल सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपने सामानों की, अपने वस्तु की देखरेख करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। कुल मिलाकर आज का दिन उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्य के पूरा होने से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और परिवार में छोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी करा सकते हैं। आप कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपके किसी अच्छे प्रदर्शन करेंगे और किसी काम को पहले करने की आदत आज आपके लिए अच्छा लाभ दे सकता है। लेकिन दोस्तों आपको किसी मित्र की ओर से कोई निवेश संबंधित योजना सुनने को मिले तो आपको उसमें धन लगाने से बचना होगा, नहीं तो आपका वह धन फंस सकता है, डूब सकता है। इतना ध्यान रखिएगा, निवेश करने से पहले आपको सोच विचार कर लेनी है, कोई एक्सपर्ट, कोई जानकार व्यक्ति है तो उनका मार्गदर्शन ले लें, उनका सलाह ले लें तो ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरह से आज का समय आपके लिए व्यतीत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी काम में रूटीन बनाए रखें तभी वह पूरे कर पाएंगी और लेन देन के मामलों में आप स्पष्टता बनाए रखें, नहीं तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नुकसान होने की भी आशंका बन रही है, लाभ तो आज आपको होगा ही होगा, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। माता पिता की सेवा में आप जो है दिन का कुछ समय व्यतीत करेंगे और आप अपने परिवार के किसी सदस्य से मन की इच्छा को जाहिर कर सकते हैं, जिससे आपकी मन की इच्छा भी पूरी होंगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला समय रहेगा। आपके कुछ कार्य यदि रुकावट आ रही थी तो उनमें अब आगे बढ़ेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी आय में वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपको किसी की सलाह पर चलना, अच्छा नाम कमाने का मौका मिलेगा, विभिन्न परिस्थितियों पर आप नियंत्रण बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो जातक नौकरी के साथ साथ अपने किसी काम को करने की योजना बना रहे हैं तो वह इच्छा भी आज के दिन पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों आज आपके तीन बड़े सपने सच होंगे, चाहे वो सपना आपके नौकरी को लेकर हो, आपके कैरियर को लेकर हो या बिजनेस को लेकर हो, आपके तीन सपने आज जरूर सच होंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपको बता दें आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने कुछ घरेलू कामों में सावधान रहने और किसी बात विवाद में ना पड़ने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आप यदि किसी संपत्ति का सौदा करने जा रहे हैं तो उसके चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें और आपके कुछ करीबी आपके घर में दखल अंदाजी कर सकती हैं, जिससे माहौल शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, खराब हो सकता है।
लेकिन दोस्तों आपको अपने बीच एक दूसरे को आने देने से बचना होगा, नहीं तो परिस्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बात विवाद कोई मामला है तो घर में ही मिल बैठ कर सुलझाने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा उलझन भी देखने को मिल रही है, उलझनों से बचने का प्रयास करें क्योंकि लड़ाई झगड़े के आसार आज के दिन बन रहे हैं। जी हाँ, खासकर अगर आप गाड़ी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक कीजिएगा, नहीं तो चोट चपेट लग सकता है। जी हाँ, और अविवाहित जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है, विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको कैरियर को लेकर यदि कुछ समस्या चल रही थी तो वह भी आज के दिन दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपको छोटी दूरी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, खुद ड्राइविंग कर रहे हैं, तो जरा सावधान रहिएगा क्योंकि सितारे कहते हैं आज छोटी मोटी दुर्घटना होने की आशंका बन रही है। भाई बंधुओं की भावनाओं पर पूरा जोर देंगे और विद्यार्थी के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रस्त होंगे और आपकी किसी नई संपत्ति को खरीदने की इच्छा भी आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन कुल मिलाकर आपके लिए आनंदमय रहने वाला है और परिवार के सदस्यों में चल रहे पुराने गिले शिकवे दूर होंगे और सभी एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रसन्नता होगी और रक्त संबंधित रिश्तों में मजबूती आएगी। जी हाँ, कुछ महत्वपूर्ण विषयों में आपको वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, और जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें धन को अच्छी योजना में निवेश कर सकती हैं जो कि आगे चलकर आपको लाभ दे सकता है। जी हाँ, आपको कुछ निजी मामलों में बाहरी व्यक्तियों से बचना होगा। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको सलाह दे रहे हैं तो सलाह लेने से पहले आपको दोबारा सोच विचार कर लेनी है कि कहीं वो आपको गलत सलाह तो नहीं दे रहे हैं, नहीं तो आप आगे चलकर बुरी तरह से फंस सकती हैं। जी हाँ, क्योंकि लोग सब लोग कहते हैं कि बेहतर करिए बड़ा करिए, लेकिन वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करिए, आप उनसे बड़ा करिए। जी हाँ, इसलिए क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आपको ही तय करना है क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जी हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि समय अभी आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्य आपका 77% साथ दे रही है, इससे बड़ा शुभ संकेत आपको और क्या चाहिए। इसका लाभ उठाएं, इसका सदुपयोग करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ, अगर आज के दिन कोई नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वो भी आज आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में जो फैमिलीज है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, एक्सपर्ट हैं, जानकार व्यक्ति हैं, उनका सलाह मशवरा लेकर ही करिएगा तो आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ, और कोई खास काम के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप अपने माता पिता का शरण स्पर्श करके निकले तो आपको कामों में सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें, हमेशा पॉजिटिव रखें क्योंकि सारा खेल सोच का ही है। जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से कार्य करते हैं। दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन फिर भी आज आपको अच्छा मुनाफा होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन व्यय के साथ साथ खर्चे भी बनी रहेगी, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। फिजूल खर्चे से बचें और धन का कुछ हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचा कर रखें क्योंकि यही बचा हुआ धन मुसीबत में काम आएगा। आज शाम 3:10 बजे के बाद पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद में आज आपको जीत मिलने से आज आप प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर आज के दिन भाग्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहने वाला है। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ने का अच्छा मौका मिलेगा जिससे आपकी साख चारों ओर फैलेगी और आप किसी परिजन की सेहत को लेकर थोड़े बहुत परेशान रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जन कल्याण के कार्यों से जुड़ने का आज आपको मौका मिलेगा। यदि कुछ शारीरिक समस्याएं आपको लंबे समय से घिरे हुए थे, परेशान कर रहे थे, तो उनसे भी आज आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी बुद्धि और विवेक से किसी निर्णय को लेकर
लोगों को हैरान कर सकती हैं और सभी का दिल जीतने में आज आप कामयाब रहेंगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके स्वास्थ्य के मामले में कुछ कमजोर रहने वाला है। अगर पहले से कोई परेशानी, कोई दिक्कत थी, तो वह समस्या अब धीरे धीरे समाप्त होगी। जी हाँ, क्योंकि आपके खान पान की आदत आपके लिए पेट संबंधित समस्याओं लेकर आ सकती है। इसलिए दोस्तों, खान पान में आपको सुधार करने की जरूरत है। आपके परिजन आपको कोई सलाह दे सकते हैं आज के दिन, तो उनसे आज आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा करने से बचें और आपको कामकाज के मामले में आज का दिन थोड़ा कमजोर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके खुद ही निर्णय लेने का प्रयास करें और उसी पर चलने का प्रयास करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगी। आप व्यवसाय में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो वो आपके भरोसे को तोड़ सकता है, जिससे आपका मन परेशान रहेगा। जी हाँ दोस्तों, धोखा हमें तभी मिलता है जब हम एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप धोखे का शिकार नहीं होना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा रखें, एक दूसरे पर ज्यादा डिपेंड रहने का प्रयास ना करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि लेकर आएगा और प्रेम जीवन जी रहे लोग चल रही समस्याओं से आज छुटकारा मिलेगा और आप एक दूसरे की परवाह करते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ निजी मामलों में गंभीरता बनाए रखनी होगी और आप सब को एक साथ चलने की लेकर कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपकी कोई इच्छा भी आज पूरी हो सकती है। जो इच्छा आपके बहुत लंबे से नहीं पूरी हो रही थी, वो इच्छा आज के दिन पूरी हो सकती है। आप यदि किसी नए काम के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं तो आपके वह प्रयास रंग लाने वाले हैं आज के दिन। जी हाँ, व्यापार में आपको कोई अच्छी डील फाइनल करने से आज बड़ा मुनाफा मिल सकता है, जिससे आपका दिल प्रसन्न होगा, आपके साथ साथ आपका पूरा घर भी प्रसन्न रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए धन संपत्ति संबंधित मामलों में बहुत अच्छा रहने वाला है और आप अपनी मेहनत से काम करके वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी अभी तक आपके पास कमी है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी में कार्यरत लोगों के विरोधी उनकी समस्याओं को बढ़ने से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो हावी नहीं हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ महत्वपूर्ण खर्चों में सम्मिलित होने के मौका मिल सकता है। आज के दिन लेन देन के मामले में आप स्पष्टता बनाए रखें, किसी से भी धन उधार लेने से बचें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है और आप उस धन को उतार नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों, जितना चादर है उतने ही पांव फैलाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, नहीं तो दोस्तों आपके लिए समस्या आगे चलकर बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर इन जानकारियों से आप सहमत हैं, जानकारियां आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, इसी तरह की जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।